नमस्कार जयजगन्नाथ आप समस्त स्वागत चैनल नॉलेज ऑफ 98 को। तो आज आम देखा सुप्रीम कोर्ट उपर टॉप 25 एमसीक्यूज जोड़ा कि आम गोटे सीरीज चलिए आम ओपीएससी एसओप इंडियान पॉलिटिक्स को बाछी बाछी टॉप 25 कि टॉप 20 एमसीक्यूज आप प्रोवाइड करोड़ कि आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहा है। ठीक अच्छे तो आज आम टॉपिक नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट उपर जहाँ भी आम इंपोर्टेंट एमसीक्यूज अच्छे जोटा कि आम एग्जाम आसी पाए यही वर्ष ओपीएससी एएसओ एग्जाम आज आम डिस्कसन कर। ठीक अच्छे जो मैंने सुप्रीम कोर्ट विषय में जो आम भिडी प्रिपेयर करूरा आनालीसीस कर विषय में जो मैंने देखी ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माई बटन रखे जाए देखिपर। ठीक अच्छे तो फास्ट आप सुप्रीम कोर्ट रो फर्स्ट थियोरी वीडियो को देखो जहाँ भी आम आज आनालीसीस करें डिस्कसन कर टॉपिकटा को मैंने एमसीक्यूज को आसन। ठीक अच्छे तो चलते बिना डेरी ना स्टार्ट कर आज क्लास। तो प्रथम क्वेश्चन आप कौन कौन हाँ क्लास स्टार्ट कर जो मैंने भी नुआ अच्छे प्लीज चैनल सब्सक्राइब करते भिड को अधिक अधिक लाइक करते सेयार मध्य करते। ठीक अच्छे फास्ट क्वेश्चन देख कौन कही व्वेन आवर सुप्रीम कोर्ट इनागुरेटेड मैंने सुप्रीम कोर्ट केनागुरेसन है सुप्रीम कोर्ट जो अच्छी इंडिया सुप्रीम कोर्ट सीटा के स्टार्ट है के इनागुरेसन है ऑप्शन नंबर ए देखिए 26 जनवरी 1950 बी देखिए 28 जनवरी 1950 आप ऑप्शन आपको सामने आस देखिए 29 जनवरी 1950 30 जनवरी 1950 मसीह। तो क्यों के मसीहार आप सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लीश होता। ठीक अच्छे आम समय जानते 26 जनवरी 1950 मसीह आम संविधान प्रणयन होता। ठीक अच्छे जोटा कि आम गणतंत्र दिवस हिसाब से पालन करते प्रति वर्ष तार दि दिन पर मैंने ऑप्शन नंबर बी 28 जनवरी 1950 मसीह कौन होता ना सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लीश होता सुप्रीम कोर्ट आम इनाग्रेसन होता 28 जनवरी 1950 मसीह जोटा कि आम रही गणतंत्र दिवस दुई दिन पर। ठीक अच्छे 26 जनवरी 1950 संविधान प्रणयन होता कि 28 जनवरी 1950 मसीह कौन होता ना आम सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लीश होता फाइन। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन कौन कौन आपको ना व्हिच आर्टिकल देखो ओपीएससी एएसओ आप पॉलिटिकल प्रति आर्टिकल आप बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहा जो भी सेक्टर आप राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो राज्यपाल हो सीएम हो पीएम हो सुप्रीम कोर्ट हो हाईकोर्ट हो पंचायतीराज हो डीपीएसपी हो प्रियम्बर हो। ठीक अच्छे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जो भी टॉपिक मैं पॉलिटिक्स पढ़ुंट सब टॉपिक रो आर्टिकल बहुत बहुत इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे तो आर्टिकल सब मन रखे क्यों आर्टिकल आपको कौन कौन एवं क्या विषय में कौच। ठीक अच्छे तो दुई नंबर क्वेश्चन कौन कौन देखो आर्टिकल व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द वेरियस प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो क्यों आर्टिकल आप सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन विषय आपको कहूँ तो ऑप्शन नंबर ए कौन देखिए ऑप्शन आप स्क्रीन आसो आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 156 बी आर्टिकल 123 टू आर्टिकल 155 सी आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 एंड डी आर्टिकल 125 टू आर्टिकल 143 तो चारोटी ऑप्शन देखिए चारोटी ऑप्शन मध्य क्यों आर्टिकल आपंकर सुप्रीम कोर्ट रो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन सहित से डील करुचे तो आउ डेरी नगर आंसर कौन कौन ऑप्शन नंबर सी हो ठीक आंसर आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147। ठीक अच्छे आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 आपंकर कौन से खास कर डील करुचे ना सुप्रीम कोर्ट रो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को से डील करुचे। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन कहे व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप आर्टिकल एवं पार्ट आर्टिकल पार्ट एवं अमेंडमेंट। ठीक अच्छे ये सब गुड़ा मैंने निश्चय मन रखे तो थार्ड नंबर क्वेश्चन कौन कहे व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो आम टोटाल आम संविधान 22 पार्ट अच्छे तो 22 पार्ट रू के पार्ट आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपर से डील करार्ट आप सुप्रीम कोर्ट को डील ऑप्शन नंबर पार्ट 4 बी पार्ट 5 सी पार्ट 6 डी पार्ट 3 तो क्यों पार्टी आप
सुप्रीम कोर्ट को डील कर छ। तो यार आंसर मन रखे ऑप्शन नंबर बी को ठीक आंसर पार्ट 5 ठीक हो छ। आर्टिकल केते आर्टिकल हो छ 124 टू 147 आर्टिकल और पार्ट केते ना पार्ट हो छ हमर 5 ठीक हो छ। नेक्स्ट क्वेश्चन जे मोस्ट इंपोर्टेंट ओरिजिनली क्वेश्चन को कौन बुझे बंधु ओरिजिनली व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉर्जियन सुप्रीम कोर्ट। अपन जब आप सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हला सुप्रीम कोर्ट अपन जब स्टार्ट हला ठीक है के बिना 28 जनवरी 1950 से जब सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हला स्टार्टिंग ऑफ टाइम रे सुप्रीम कोर्ट अपन टोटल जज कते थिले वर्तमान में स्टार्टिंग ऑफ टाइम रे सुप्रीम कोर्ट रो जज कते थिले। ऑप्शन नंबर ए 8 जज बी 9 जन सी 10 जन ना डी 35 जन। तो केते जन जज स्टार्टिंग टाइम रे सुप्रीम कोर्ट रे नियुक्ति थिले। तो ठीक आंसर कोन हो ऑप्शन नंबर ए हो ठीक आंसर 8 जन जज 8 जन जज को मध्ये रो कौन हुए ना जने आप चीफ जस्टिस थी और सात जन आप जज था ठीक है। तो मिशिक टोटल 8 जन आप कौन कौन ना ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट रो जज थे 8 जन मध्य जन चीफ जस्टिस आउ सात जन रही आप जज ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप कहते नाउ व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप जो वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट अच्छे ओरिजिनल तो जान लो 8 जन जज थे कि बर्तमान मैक्सिमम स्ट्रेंथ के मान बर्तमान मैक्सिमम टू मैक्सिमम केते जन जज सुप्रीम कोर्ट रे नियुक्ति पाई पारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो ऑप्शन ऑप्शन कौन दे छी ऑप्शन नंबर 33 जज बी 34 जज सी 35 जज सी 36 जज। तो केते जन आपन को मैक्सिमम जज सुप्रीम कोर्ट रे नियुक्ति पाई पारे ठीक आंसर कौन हो आपन को ऑप्शन नंबर बी हो ठीक आंसर 34 जज ठीक अच्छे। 34 जज रही पारे मैक्सीम 34 अधिका हो पारे ना यहाँ मन रखे ओरिजिनल आप 8 जन थे कि बर्तमान मैक्सिमम स्ट्रेंथ के 34 34 को मध्य जन हो चीफ जस्टिस आउ 33 जन हो जज ठीक अच्छे। तो 8 जन जज थे ओरिजिनल मैं स्टार्टिंग टाइम 8 जन जज थे कि बर्तमान टोटल स्ट्रेंथ हूँ 34 जज जोड़े गोटे चीफ जस्टिस आउ नेक्स्ट 33 जज आप रही ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब यहाँ आप बेस अच्छे कि हाउ मेनि जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट। आम जानते कि 34 हूँ तार स्ट्रेंथ ठीक अच्छे मैक्सिमम स्ट्रेंथ हूँ 34 तार अधिक रही पारे ना कि बर्तमान के जज आप निजुक्ति पाई बर्तमान टाइम सुप्रीम कोर्ट रे केते जन जज आप निजुक्ति पाई क्वेश्चन पचार ऑप्शन कौन दे 32 जज बी 31 जज सी 30 जज डी 34 जज। तो वर्तमान केते जन जज सुप्रीम कोर्ट रे नियुक्ति पाई छन ठीक आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए 32 जज ठीक अच्छे। एंड 1 चीफ जस्टिस एवं 31 जज। तो यार भीतर के भी कंफ्यूजन है मैं आप लोगों को क्लारिफाई कर देती ये हो जब हम लोग ओरिजिनली माने आप लोगों को स्टार्टिंग का टाइम रेट आता था हम लोग 8 जन जोड़ते थे वर्तमान मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो जे 34 जन जे जो 33 जन जज किंतु वर्तमान के जन जज अछंती सुप्रीम कोर्ट रे ना 32 जन ठीक अछि टोटल ना 32 जन जज अछंती तार जन जो चीफ जस्टिस एवं 31 अछंती जजेस ठीक अछि। आसु तो केबे आप माने कंफ्यूजन हेबे मासा बुझा समस्त क्लैरिटी हे। नेक्स्ट क्वेश्चन दियो अपन दे री साउंड सब जातो त सेते म अपन क्षमा चाहु छी कारण रूम रूम मिसिंग दे अछि किछ डेकोरेशन करे ने साउंड पे त अपन री साउंड बेस सब जातो साउंड उपरे। तो आई होप आप माने ताको मैनेज कर देबे ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन दियो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहे सात नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज को सैलरी केते। ऑप्शन नंबर 2,80,000 बी 2,70,000 सी 2,50,000 ना डी 3,00,000। सुप्रीम कोर्ट को सैलरी केते ठीक अछि सुप्रीम कोर्ट जज को बा चीफ जस्टिस को सैलरी केते। तो ठीक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए 2,80,000 ठीक अच्छे 2,80,000 हूँ सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस सैलरी। प्रेसिडेंट को देखो आप प्रति सेसन
जब भी सैलरी ऊपर क्वेश्चन आसे सब जी पढ़ी मुझे भिड दी ताऊपर मत रिविजन कर दि तो प्रेसिडेंट आम के सैलरी ना 5 लाख पाते वाइस प्रेसिडेंट के 4 लाख पाते ठीक अच्छे गवर्नर के पाते गवर्नर को सैलरी के प्रेसिडेंट 5 लाख वाइस प्रेसिडेंट को 4 लाख गवर्नर को तो गवर्नर सैलरी के 3 लाख 50 हजार ठीक अच्छे तो प्रेसिडेंट 5 लाख वाइस प्रेसिडेंट 4 लाख गवर्नर 3 लाख 50 हजार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के पाते ना 2,80,000 पर मंथ ठीक अच्छे ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पहुंचे हम जानते कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पाते ना 2,80,000 बर्तमान पचार व्हाट इज द सैलरी ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक अच्छे सुप्रीम कोर्ट जज को सैलरी के चीफ जस्टिस को हम जानु 2,80,000 तो सुप्रीम कोर्ट रो नॉर्मल जज मान करो सैलरी के ऑप्शन नंबर 2,50,000 बी 2,40,000 सी 2,30,000 ना डी 29 तो केते बडा आंसर आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए 2,50,000 तो या को ना जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाते किंतु 2,80,000 के पाते ना चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक अच्छे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनको सैलरी होची 2,80,000 जज को सैलरी होची सुप्रीम कोर्ट रो 2,50,000 के बारे में आउट ऑफ कंफ्यूजन है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए फॉर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टू बी नीडेड जो भी आपको क्राइटेरिया छे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस होबे ता भीतर गोटे हो जा कोन ना ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया से इंडिया रो सिटीजन होइतो दरकार ठीक अछि एवं आउ गोटे क्राइटेरिया आपको क्वेश्चन रे पचार जे ता केते वर्ष एक्सपीरियंस थिबा दरकार एक्सपीरियंस बा अनुभव आपन केते वर्ष थिबा दरकार ठीक अछि ऑप्शन नंबर ए दिजे 10 इयर्स एक्सपीरियंस एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट हाई कोर्ट रे 10 वर्ष रो एक्सपीरियंस थिबा दरकार एज ए एडवोकेट बी दिजे 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट माने हाई कोर्ट रे जज हिसाब रे 5 वर्ष एक्सपीरियंस थिबा दरकार बोथ ए एंड बी ऑप्शन ए बी ऑप्शन बी बी डी किछ भी एक्सपीरियंस दरकार नै ठीक अछि तो चीफ जस्टिस से भई क्यों एक्सपीरियंस आप क्यों एक्सपीरियंस आप लोगों को दरकार ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए दीजिए 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेट इन हाई कोर्ट ठीक अच्छे बी दीजिए 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट बी सी बोथ ए एंड बी तो ठीक आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो ठीक आंसर बोथ ए एंड बी ठीक अच्छे आगे ताकु 10 वर्ष रो एक्सपीरियंस का दरकार हाई कोर्ट रो एडवोकेट भाबरे एवं 5 वर्ष एक्सपीरियंस का दरकार हाई कोर्ट रो जज भाबर ठीक अछि तो दिर जक एक्सपीरियंस दिला अपन को से कोन हेबे ना एलिजिबल लेबे फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक अछि मु प्रो नेक्स्ट क्वेश्चन का कोन कोइ 10 नंबर क्वेश्चन कोन पचार छ अपन को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेक्स द ओथ बाय हुम कहा को द्वारा सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य न्यायाधीश बा चीफ जस्टिस आपन करो ओथ बा शपथ पाठ करि थाते ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट बी द वाइस प्रेसिडेंट सी द पीएम एंड डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहां को द्वारा से शपथ पाठ करि थाते बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट ठीक अछि ये विषय में आपन गोटे इंटरेस्टिंग कथा आपन कोइ दिन जोड़ेगा आपन करो सुप्रीम कोर्ट रो थ्योरी क्लास में अपन सर डिस्कशन करथिले तो जो माने देखना थी काइंडली प्लीज दय करी सेम वीडियो को देखंतु ठीक अछि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि ताक देखंतु ता पर एमसीक्यूज पास कर ठीक अछि एवं वीडियो को अधिक अधिक लाइक कर दो शेयर कर दो एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एवं कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स रे कि आप मन आउ कोन कोन वीडियो दरकार बा क्यों टॉपिक ऊपर क्यों स्ट्रेटजी के ऊपर आप मन वीडियो दरकार ठीक अछि तो ता ऊपर भी आप मन कमेंट कर दो हमें ट्राए करूँ आम निश्चय भाव में से वीडियो को आप प्रोवाइड करूँ जो टॉपिक मैंने आपको कही थी ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस को आम भारत अनरेबल राष्ट्रपति मान्यवर राष्ट्रपति आम कौन करते शपथ पाठ
କରେକ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଅ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଇଫ୍ ରିମୁଭାଲ ଅଫ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ ଠିକ ଅଛି ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ରିମୁଭ୍ କରିଥାଉ ବା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ବହିଷ୍କାର କରିଥାଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ କହିଛି କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ତାଙ୍କର ବହିଷ୍କୃତ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଡିଟେଲରେ କହିଛି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଥିଓରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପାସନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ କ'ଣ କହୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଇଫ୍ ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟପିକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଲୋକସଭା ଦ ମିନିମମ୍ ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର ସୁଡ୍ ସାଇନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯଦି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବା ବହିଷ୍କୃତ କରିବା ଟପିକ୍ ଯଦି ଲୋକସଭାରେ ଉଠେ ଯଦି ଲୋକସଭାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନାହିଁ ଲୋକସଭାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଲୋକସଭାରେ କେତେ ଜଣ ମିନିମମ୍ ମେମ୍ବର ସେହି ଦାବି ଉପରେ ଦାବି ସହିତ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଟା ଆମକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝନ୍ତୁ ଯଦି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶକୁ ଯଦି ଆମେ ବହିଷ୍କୃତ କରିବାର ଦାବି କରୁ ଲୋକସଭାରେ ଯଦି ଆମେ ଲୋକସଭାରେ ଦାବି କରୁ ତାହେଲେ ଲୋକସଭାର କେତେ ଜଣ ମିନିମମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେହି ଦାବିର ସହମତି ସହମତ ଦେବାର ଅଛି ବା ସେହି ଦାବିର ମତରେ ହଁ ମାରିବାର ଅଛି ବା ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି କେତେ ଜଣ ମିନିମମ୍ ମେମ୍ବର ତାଠୁ କମ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଦାବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ମିନିମମ୍ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ସେ ଦାବିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦରକାର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦେଇଛି 150 ମେମ୍ବର ବି ଦେଇଛି 100 ମେମ୍ବର ସି ଦେଇଛି 50 ମେମ୍ବର ଡି ଦେଇଛି 90 ମେମ୍ବର୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ତ କେତେ ଜଣ ମିନିମମ୍ ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 100 ମେମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଲୋକସଭାରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଫ୍ ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟପିକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ମିନିମମ୍ ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର ସୁଡ୍ ସାଇଡ୍ ମାନେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣୁ ଲୋକସଭାରେ ଯଦି ଲୋକସଭାରେ ନଟିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉଠିଲା ମନେକର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେଇ ଦାବି ମନେକର ଉଠିଲା କି ସୁପ୍ରିମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ବୋଲି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାର କେତେ ଜଣ ମିନିମମ୍ ମେମ୍ବର ସେଇ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦରକାର ତ ମିନିମମ୍ ମେମ୍ବର କେତେ ମିନିମମ୍ ମେମ୍ବର ତାଠୁ କମ୍ ହେଲେ ସେ ଦାବିକୁ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଉ ତ ମିନିମମ୍ ମେମ୍ବର କେତେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହବ ଠିକ୍ ଅଛି 50 ମେମ୍ବର ଏଇଟା ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଲୋକସଭା ଯଦି ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ 100 ମେମ୍ବର ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦରକାର ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉଠୁଛି ମିନିମମ୍ 50 ମେମ୍ବର ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ଦାବିକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିପାରିବା ନହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଠି ସେଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ଏତିକି ମେମ୍ବର ଆମକୁ ଯଦି ଲୋକସଭାରେ ଉଠୁଛି 100 ମେମ୍ବର ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉଠୁଛି 50 ମେମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଯାଇକି ହିଁ ସେଇ ଦାବିକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ରିମୁଭାଲ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି ଇଫ୍ ଦ ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଦ ଲୋକସଭା ଆଣ୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଦେନ୍ ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମିଟି ୱିଲ୍ ବି ଫର୍ମ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକସଭାରେ ମନେକର ଦାବି ଉଠିଲା 100 ଜଣ ସପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମନେକର ଦାବି ଉଠିଲା 50 ଜଣ ସପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ ସପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ଯଦି ଲୋକସଭାର ଯିଏ ସ୍ପିକର ଥିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିବେ ଯଦି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ ଦାବିକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି ହେବ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କଲା ମାନେ ସେ ରିଜେକ୍ଟ ହିଁ ହେଇଯାଏ ଯଦି ବି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ପରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବରର ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି ହୁଏ ଏଇ ଦାବିକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଯଦି ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ତାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ସେ ଦାବିକୁ ତାହେଲେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ପରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବରର ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦେଇଛି 5 ମେମ୍ବର୍ସ ବି ଦେଇଛି 4 ମେମ୍ବର୍ସ ସି ଦେଇଛି 3 ମେମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡି ଦେଇଛି 6 ମେମ୍ବର୍ସ ତ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି ହୁଏ ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତିନି ଜଣ ମେମ୍ବରର ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ କମିଟିରେ କିଏ କିଏ ଥିବେ କିଏ କିଏ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଥିବେ ନା
से गवर्नमेंट रे फर्स्ट मेंबर थिले चीफ जस्टिस और जज चीफ जस्टिस नॉट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक अछि द्वितीय मेंबर के थिले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और थर्ड मेंबर के थिले थर्ड मेंबर थिले ना बोलो डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट ठीक अछि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट केमिति हम आपन को क्वेश्चन दे आपन को कहि दे जदि आरे क्लैरिटी चाहु तो नाम हमर थ्योरी वीडियो को देखन तो ठीक अछि तो तीन नंबर मेंबर की केथिबे चीफ जस्टिस और जज चीफ जस्टिस रे था रहि परबे किबा जज रे परबे कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट रो सेकंड नंबर केथिबे चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट ओटे हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस थिबे और थर्ड जो हमर डिस्टिंग्विश जुरिस्ट ठीक अछि तो ए तीन जन को नै गोटे कमिटी तैयार हुई एवं ता पर जाय के हमर कोन होय ना चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बहिष्कार करा जाय ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को छि द चीफ जस्टिस ऑफ एंड अदर जज होल्ड ऑफिस इन हाउ मेनी इयर्स जदि गो सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस एवं जज से चीफ जस्टिस होन किबा जज होन ते से मिनिमम केते वर्ष जाय से ऑफिस बा से पदवी को पदवी से रहि पारे ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर 60 इयर्स माने त रिटायरमेंट एज रहते ठीक अछि जेरा नॉर्मली आपन क्वेश्चन पुछाउ जे रिटायरमेंट एज के ठीक अछि ऑप्शन नंबर 60 इयर्स बी 65 इयर्स सी 70 इयर्स एंड डी 63 इयर्स ठीक अछि हमर ऑप्शन नंबर बी होल ठीक आंसर 65 इयर्स ठीक अछि 65 इयर्स 65 वर्ष पर्यंत से कोन कर परबे ना से पदवी से रहि पारि ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन करो हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିଏ ଥିଲେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କହନ୍ତି ହିରାଲାଲ ଜେ ଖାନ୍ ବି ଦେଇଛି ହିରାଲାଲ ଖାନ୍ ସି ଦେଇଛି ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ ନା ଡି ଦେଇଛି ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ କିଏ ଥିଲେ ତ ଠିକ ଅଛି କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବି ମୋତେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗୁଥିବ କାରଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲେଟର ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ ହବ ଜେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ହିରାଲାଲ ଜେ ଖାନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବି ରେ ହିରାଲାଲ ଖାନ୍ ଅଛି तो ठीक आंसर कौन है आपका ऑप्शन नंबर ए हो ठीक आंसर हीरा लाल जे खान ठीक अछि हीरा लाल जे खान आपका ऑप्शन हो से 1950 रु 1951 ठीक अछि से वर्ष प्राय भारत रो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पदवी से होइतिले कि हीरा लाल जे खान जे कि हमर भारत रो प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहले ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट इन द क्वेश्चन आफ्टर रिटायरमेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन चीफ जस्टिस जते बेले 65 वर्ष पर रिटायरमेंट दे दियोंते ता पर एबे जेंति हमर आर्मी ऑफिसर माने तांती आर्मी ऑफिसर माने जते रिटायरमेंट दे दियो ताको कोनसी बैंक रे किबा कोनसी सेक्टर ताको जॉब मिले ठीक अछि ताको आफ्टर रिटायरमेंट ताको जॉब मिले सेही पर भाव रे सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस जते रिटायरमेंट दियोंते 65 वर्ष पर ताकर एज 65 वर्ष ला पर जतो से रिटायरमेंट दियंती रिटायरमेंट देला पर से को केओ पदवी रे ताको पुनी तरे रखा जाय बा ताको केओ पदवी दिया जाय सेही पदवी जते ता 65 पदवी ताको दिया जाय न था केवल केवल माने केवल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को आफ्टर रिटायरमेंट केवल सेही पदवी ही दिया जाय आ कोनसी भारत रो कोनसी पदवी ताको बा कोनसी पोस्ट ताको दिया जाय नाही तो ऑप्शन नंबर ए कौन दे छे गवर्नर ऑफ स्टेट बी दे छे चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सी दे छे चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया डी दे छे चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रैंड ट्रिब्यूनल तो केओ पोस्ट रे आपन कर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होती आफ्टर रिटायरमेंट आउ कौन से पोस्ट तक रखा जाए नहीं केवल एक गुटी पोस्ट रे रखा जाए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट ठीक अछि तो कौन हम ऑप्शन नंबर बी हो ठीक आंसर चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी ये पोस्ट छोड़ा आउ को पोस्ट ताको रखा जाए नहीं रिटायरमेंट और ये था अपन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट देखिबा जज नेक्स्ट देखिबा
जदि जो सुप्रीम कोर्ट रो जज रिटायरमेंट दिखे रिटायरमेंट पर क्यों पोस्ट में रखा जाए ओनली से ही पोस्ट रखा जाए कौन पोस्ट रखा जाए ना ऑप्शन नंबर ए गवर्नर ऑफ स्टेट बी दे चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन जोटा चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश अटे सी दे चेयरमैन ऑफ प्रेस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया डी दे चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ठीक अच्छे तो चार ऑप्शन ऑप्शन बी तो हमें कारण ऑप्शन बी आप चीफ जस्टिस कह तो ए सी डी मधर आपटा हम तो ए तो हमें बिल्कुल भी हमें ठीक अच्छे गवर्नर ऑफ स्टेट तो हम हम ही ना कि हम कौटा ऑप्शन नंबर सी हम आप चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन आफ्टर रिटायरमेंट आम देखने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखने जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखने देखा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट रो जो चीफ जस्टिस किंबा हाँ चीफ जस्टिस रिटायरमेंट दिखती हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस रिटायरमेंट दिखती से क्यों पोस्ट आपर ऑप्शन नंबर गवर्नर ऑफ स्टेट बी चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन सी चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया डी चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो ऑप्शन बी तो हमने कौन चीफ जस्टिस सी तो हमने जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बाकी रहा डी आप कौन हम आंसर यार नेशनल सॉरी चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ठीक तो फास्ट कौन अच्छे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायरमेंट पर चेयरमैन ऑफ एनएचआर नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन पदवी रही नेक्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक अच्छे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन हिसाब से रही है नेक्स्ट आज चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट तो हाईकोर्ट चीफ जस्टिस आफ्टर रिटायरमेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पोस्ट रही ठीक अच्छे या व्यतीत कौन से पोस्ट से रही पारे ना चीफ जस्टिस चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी आरसी जज कहे ना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट कह रही है ना चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ठीक अच्छे तो ये आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखें कन्फ्यूज हे या मध्य आप गोटे क्वेश्चन आसपे मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन परवर्त क्वेश्चन कौन कौन आप उन्नीस नंबर क्वेश्चन ना सुप्रीम कोर्ट कैन रिकमेंड द रिमूवल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट चाहिए ये चार ऑप्शन मध्य क्यों गवर्निंग बॉडी भारतीय संविधान क्यों पदवी को पदवी रही से व्यक्ति को से रिमूव करने रिकमेंडेशन दे पार तो सुप्रीम कोर्ट चाहिए कहा क्यों पदवी रू हटेपी रिकमेंडेशन दे पार बा सुप्रीम कोर्ट कैन रिकमेंड द रिमूवल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान क्यों गवर्निंग बॉडी को रिमूव करने सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करें ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बी चीफ इलेक्शन कमिशनर सी दी स्पीकर ऑफ लोकसभा डी चेयरमैन ऑफ लोकसभा तो क्यों पदवी क्यों गवर्निंग बॉडी को रिमूव करने सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड कर ठीक आंसर कौन आप ऑप्शन नंबर ए हम ठीक आंसर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ठीक अच्छे चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी जे भी थे रिमूव करने सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन दे पारे ठीक अच्छे यूपीएससी फुटर कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन जोड़ा कि प्रति कंपिटेट जितक भी कंपिटेट पे पढ़ुंत समस्त मेन गोल यहाँ ही रही है कि यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी तो चेयरमैन एंड मेम्बर्स ऑफ यूपीएससी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू मान जो जो जज सुप्रीम कोर्ट जज जब रिजाइन देवे से क्या रिजिग्नेशन लेटर टी देखिए से चाहते मुझे रिजाइन देदेवि मो पोस्ट रु ते से क्यों व्यक्ति को भारत भारतीय संविधान क्यों व्यक्ति को से निज रेजिग्नेशन लेटर को
हस्तक्षेप हस्तांतर करते ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट बी द पीएम सी द वाइस प्रेसिडेंट और डी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो कहां को से कौन करते ना तहे निजर रेजिग्नेशन लेटर का निजर इस्तीफा पत्र प्रदान करथंते तो ऑप्शन नंबर ए हो ठीक है द प्रेसिडेंट भारतर अनुरोध प्रेसिडेंट को से कौन करते निजर इस्तीफा पत्र को प्रदान ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्हिच आर्टिकल सेज द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केव आर्टिकल अपन करो केव आर्टिकल अपन करो एस्टैब्लिशमेंट एवं सुप्रीम कोर्ट रो संविधान ऊपर लिखा जाय तो प्रत्येक किछ ना किछ गो रूल एवं लॉ थे सुप्रीम कोर्ट जे गो रूल थे हाई कोर्ट जे गो रूल थे प्रेसिडेंट गो रूल थे वाइस प्रेसिडेंट गो रूल थे समस्त गो निजे जे गो रूल थे बा ताको हमें ताकर कॉन्स्टिट्यूशन पर ताकर संविधान पर हमें कोई था तो क्यों आर्टिकल था सुप्रीम कोर्ट रो एस्टैब्लिशमेंट एवं कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर लिखा जाय सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट रो संविधान ऊपर क्यों आर्टिकल लिखा जाय ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 123 बी आर्टिकल 124 सी आर्टिकल 125 और डी आर्टिकल 126 तो क्यों आर्टिकल आपण करो सुप्रीम कोर्ट रो कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर लिखा जाय ठीक अच्छा बोलो हम ऑप्शन नंबर बी हो ठीक आंसर आर्टिकल 124 ठीक अच्छा आर्टिकल 124 रे लिखा जाय छी सुप्रीम कोर्ट रो एस्टैब्लिशमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छा फाइन मतलब परवर्ती क्वेश्चन जो हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एटा मोस्ट इंपोर्टेंट एवं बहुत इजी क्वेश्चन बहुत समस्त पिला कर परबे भारत रो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को किए नियुक्ति देथा बा तांको के पदवी रे रखि दाते ऑप्शन नंबर ए द वाइस द प्रेसिडेंट बी द वाइस प्रेसिडेंट सी द स्पीकर ऑफ लोकसभा ना डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ पाई ऑप्शन मदे देबा दरकार ने समस्त जानतिबे कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भारत रो मान्यवर राष्ट्रपति नियुक्ति देथा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भारतर प्रथम महिला चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रथम चीफ जस्टिस होचंती हीरालाल जे खान किंतु प्रथम महिला चीफ जस्टिस के प्रति सुप्रीम कोर्ट रो ऑप्शन नंबर ए दिजे जस्टिस लीला सेठी बी जस्टिस अन्ना चांडी सी जस्टिस फातिमा एम बीवी नटी जस्टिस मैरी जोसेफ तो के होचंते भारतर प्रथम महिला चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो ठीक आंसर हम ऑप्शन नंबर सी हो ठीक आंसर जस्टिस फातिमा सिंह जस्टिस फातिमा एम बीवी ठीक अछि तो ये होचंते भारतर प्रथम महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक अच्छे भारत प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश होती जस्टिस प्रतिमा एमबीपी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडिया प्रथम वुमेन चीफ जस्टिस के जस्टिस प्रतिमा एमबीपी किंतु प्रथम जज के भारत प्रथम महिला जज के भारत फर्स्ट वुमेन जज किए ऑप्शन नंबर ए जस्टिस लीला सेठी बी जस्टिस अन्ना चांडी ना सी जस्टिस प्रतिमा एमबीपी नटी जस्टिस मैरी जोसेफ तो के होचने भारत प्रथम महिला जज तो ठीक आंसर कोन हो ऑप्शन नंबर बी हो ठीक आंसर जस्टिस अन्ना चांडी ठीक अछि ये होचने भारत प्रथम महिला जज होचने जस्टिस अन्ना चांडी एवं प्रथम महिला चीफ जस्टिस के प्रतिमा एमबीपी कंफ्यूजन दूर करती है ठीक अछि ये होचने फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये हो जाता है फर्स्ट वुमेन जज ठीक अच्छे तो जस्टिस प्रतिमा भी हो जाते भारत प्रथम महिला चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एवं जस्टिस अन्ना चांडी हो जाते भारत प्रथम महिला जज ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज सेशन लास्ट क्वेश्चन अटे 25 नंबर क्वेश्चन कौन कौन कि द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड माने जमीती को मुकली कि ओरिजिनल आपन को 8 जन जज थिले ठीक जन चीफ जस्टिस आ 7 जन जज थिले एबे वर्तमान मैक्सिमम स्ट्रेंथ अछि 34 जज मैक्सिमम स्ट्रेंथ अछि सुप्रीम कोर्ट रो जन चीफ जस्टिस आ 33 जन जज अछि किंतु
वर्तमान टाइम 32 जन नियुक्ति ठीक अच्छे 34 टा पोस्ट अच्छे टोटाल कि 32 जन सीट अच्छे 32 जन चीफ जस्टिस 31 जन जज तो से 32 टा इनक्रीज हो 33 भी पारे 34 भी पारे तो से जो इनक्रीज ऑफ जज इनक्रीज ऑफ नंबर ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट तो सेटा अपनर केउ कहा ऊपर निर्भर करे कहा ऊपर से निर्भर करे भारत रे भारतीय संविधान रो कहा ऊपर से निर्भर करे कोन ना सुप्रीम कोर्ट रो जज को संख्या वृद्धि हो द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट रो जज मानकर संख्या इंक्रीज हेबार पावर का पाखरे रही छे ठीक अछि ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया B the Parliament, C the Chief Justice of India, and D the Law Commission. तो कहाँ ऊपर से पावर थी आप लोगों को रोहित जी बोलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन को उत्तर चाहिए तो ठीक है आंसर कौन होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर B होगा ठीक है आंसर the Parliament ठीक है जी संसद संसद ऊपर आप लोगों को थाए कौन ना से पावर थी थाए को पावर ना चीफ सुप्रीम कोर्ट रो जज मान संख्या इंक्रीज केमिति हो तो सही बाबत आपनकर पार्लियामेंट उपर ते जार जने हमर ओडिया रे संसद बोली कह तो संसद का का बने तैयारी तीनटा बडी बने तैयारी फोटो छै लोकसभा फोटो छै राज्यसभा और छै हमर प्रेसिडेंट ठीक अछि तो ये लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट हो जोंती पार्लियामेंट रो तीनटी अंग अंग ठीक अछि प्रेसिडेंट मध्ये संसद गोटे अंग अटै तो पार्लियामेंट मध्ये विषय मध्ये हम पर ब्रीफली डिस्कशन करो एबे एते जणो जो कि पार्लियामेंट पाखरे पावर थाए कि सुप्रीम कोर्ट रो जज मन सके केमिति इंक्रीज हो ठीक अछि प्लीज आपन करो क्वेश्चन तो ये था जो लास्ट क्वेश्चन आशा करू आप समस्त वीडियो भल लागे थो जदि आपन क्वेश्चन भल लागो छ एवं एनालिसिस भल लागो तो वीडियो को प्लीज लाइक करो तो शेयर करो तो सब्सक्राइब करो हम चैनल को और पुनः थोड़े में समय और क्लास से सही पर बाहर गोटे नया टॉपिक को लेके कलेक्टर जड़े का पर ओपीएससी एस पे बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहबो तो क्लास को एंजॉय करो तो क्लास को अधिक 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 शेयर करो देबो नोट्स प्रिपेयर करो तो एवं एमसीक्यू सुमत आप माने करो ठीक अछि तो आप लोग नेक्स्ट को टॉपिक पर को स्ट्रेटजी को जिके पर आप को वीडियो दरकार सेटा को आप माने कमेंट करो तो हम निश्चय ट्राई करब कि आप लोग से वीडियो टी ठीक अच्छे तो पुणी थे मिस हमें और क्लास सिंपल रही जय जगन्नाथ।